हाँ तो गाइस, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी ब्राउज़र में आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप लोग को लिखना है अन स्क्रीन, ठीक है। तो इस तरह से लिखिएगा UNSCREEN अन स्क्रीन, इस तरह से लिखिएगा और उसके बाद इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। इंटर जैसे कीजिएगा यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोगों को पहला वाला वेबसाइट में आप लोगों को क्लिक कर देना होगा वहाँ पर। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहा है ग्रीन स्क्रीन कैसे हटेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को अपना वीडियो का ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं अपलोड क्लिक। इसमें आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ से आप लोग अपना कैमरा या फाइल से आप लोग ले लीजिएगा अपना वीडियो को। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ और इसी का ग्रीन स्क्रीन हटा के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ठीक है, जिसे मैं इसको क्लिक किया तो आप लोग इस तरह से क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, इस तरह से प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। और इस तरह से आप लोगों को वेट करना है। वेट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो रहा है और हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों का इस तरह से थोड़ा टाइमिंग लेगा, तो आप लोगों को वेट कर लेना होगा। तो देख सकते हैं कितना स्पीड बढ़ रहा है, इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद होने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि इस तरह से आप लोगों को सेटिंग करना है ग्रीन स्क्रीन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते होने वाला है और हो गया। देख सकते हैं आप लोगों का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अभी इसमें आप लोग ग्रीन स्क्रीन या बैकग्राउंड कोई भी आप लोग लगा सकते हैं। नीचे देखिए ऑप्शन दिखा रहा है चेंज बैकग्राउंड, इसमें आप लोगों को एक बार क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद ऊपर तरफ उठाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो कलर इमेज तीन ऑप्शन है। इसमें आप लोग कोई भी क्लिक कीजिएगा, इसमें आप लोगों का बैकग्राउंड में लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इसमें क्लिक किया तो बैकग्राउंड में लग गया है, इस तरह से वीडियो का दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। उसके बाद कलर है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले इसको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आप लोग क्लिक कर करके देख लीजिएगा, जो अच्छा लगे उसको आप लोग सेट कर लीजिएगा। देखिए कलर में जैसे क्लिक किया यहाँ पर अभी ग्रीन स्क्रीन आप लोग ऐड कर सकते हैं, कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन लग गया है और कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप लोग कोई भी कलर आप लोगों का बैकग्राउंड में लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, सिर्फ एक क्लिक में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इमेज में आएंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं, कोई भी इमेज लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारा इमेज दिया हुआ है, इसमें भी मैं क्लिक करूँगा कोई भी ब्लर विलर, ठीक है। तो आप लोग का इस तरह से लग जाएगा। तो आप लोग भी इस तरह से देख लीजिएगा, जो पसंद आता है उसको आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन करके रखूँगा और इसी को मैं आप लोगों को सेव करके आप लोगों को दिखाऊँगा। नीचे ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए दो ऑप्शन, तो आप लोगों को डाउनलोडिंग वाला में आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अपना डाउनलोडिंग होना चालू हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोडिंग हो रहा है। उसके बाद आप लोगों को बताते हैं डाउनलोडिंग कहाँ हुआ है, ठीक है। इस तरह से होने देंगे, आप लोगों को थोड़ा वेट कर लेना है। तो देख सकते हैं नीचे भी ऑप्शन आ गया डाउनलोडिंग कंप्लीट, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो चलिए अभी फाइल मैनेजर में आप लोगों को दिखा देते हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा से ग्रीन स्क्रीन बन गया आपका वीडियो। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, सिर्फ एक क्लिक में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।